नमस्कार, स्वागत छे आपनो डीटीवी न्यूज मां। दाहोद जिल्लामां भाजप द्वारा विधानसभा चूंटणीने लईने भाजप उम्मीदवार माटे चूंटणीना प्रचारनो प्रारंभ शुरू थई गयो छे। पुरुषोत्तम रूपाला अने केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडाए अग्रेसर गुजरात संकल्प पत्र कार्यक्रम अंतर्गत सभा संबोधन कर्युं। आगामी 5 डिसेम्बरे दाहोद जिल्लानी 6 विधानसभा बैठक माटे मतदान थवानुं छे, त्यारे भाजप द्वारा 4 बैठक माटे उम्मीदवार जाहेर कर्या छे। અને આજે કેન્દ્રીય મંત્રી અર્જુન મુંડા અને પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ દાહોદ ખાતે અગ્રેસર ગુજરાત સંકલ્પ કાર્યક્રમ અંતર્ગત સભા સંબોધી ભાજપના ઉમેદવારો માટે પ્રચાર કર્યો હતો અને ભાજપને મત આપી ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવારને જીતાડવાની અપીલ કરી હતી। સંબોધનમાં નરેન્દ્ર મોદીની સરકારમાં થયેલા વિકાસ કાર્યોનું વર્ણન કરી આદિવાસી યોદ્ધા એવા ગુરુ ગોવિંદના બલિદાનને યાદ કર્યા હતા। भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश द्वारा अग्रेसर गुजरात ना माध्यम थी समग्र राज्य में आकांक्षा पेटीओं द्वारा जनता ना अभिप्रायों मेळवाना एना सजेशनों सुझावों मेळवा माटेनो एक सुंदर प्रयास योजवामां आव्यो हतो। एना भागरूपे आजे अमे व्यारा दाहोद अने भिलोडा खाते आ कार्यक्रम में भाग लेवा माटे आव्या छीए। मारी साथे केन्द्रना अमारा वरिष्ठ मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडाजी पण आ कार्यक्रम में उपस्थित रहा था। अहीं दाहोद खाते अमारा 4 उम्मेदवारों पण उपस्थित था। फतेहपुरा, लीमखेड़ा, दाहोद अने देवगढ़ बारिया ना उम्मेदवार श्रीओ पण अहीं उपस्थित था। जसवंत सिंह जी भाभोर, अमरा जिला अध्यक्ष शंकर भाई सहित विशाल संख्या में आगेवानों की उपस्थिति में उत्साहभेर आदिवासी भाई बहनों भाग लीधो हतो। मुंडाजीए भगवान बिरसा मुंडाजी अने आदिजाति माटे अपना आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीए करेला कार्यों की विगतो राखी थी। अने ગુજરાતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર પુનઃ બને એને માટેની અપીલ કરી।